सोसर में दिव्यांग हेतु किया गया शिविर का भव्य आयोजन। सोसर जनपद पंचायत में दिव्यांगजन हेतु किया गया शिविर आयोजित। बता दें कि एडीपी योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण चिन्हांकित शिविर लगाया गया। सोसर लुधिखेड़ा पिपला मोहगांव चारों नगर पालिका की भी रही भागीदारी। सोसर विधायक विजय चौरे भी पहुंचे अव्यवस्था को लेकर भड़के संबंधित अधिकारियों पर। बता दें कि विधायक विजय चौरे अव्यवस्था को लेकर भड़के। सोसर SDM अंकिता त्रिपाठी के विशेष मार्गदर्शन में शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा सरकार की ADP योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत सोसर में सहायक उपकरण चिन्हांकित शिविर का आयोजन किया, जिसमें सोसर के सभी पंचायत एवं सोसर नगर परिषद तथा समस्त शहर के आजू बाजू के नगर पालिका इस शिविर में आए। आज भारत सरकार की ADP योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग के चिन्हांकन के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जनपद पंचायत सोसर, नगर पालिका परिषद सोसर, लोधीखेड़ा, पिपला, नारायणवार, मोहगांव चारों नगर पालिकाओं के हितग्राही और जनपद पंचायत संयुक्त शिविर है। आज लगभग कितने लोगों को लाभ मिला है शिविर का? योजना के अंतर्गत तो अभी तो काफ़ी संख्या में हितग्राही आए हुए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा हितग्राहियों ने पंजीयन कराया हुआ है। अभी LIMCO की टीम सभी का पंजीयन कर रही है। पंजीयन के बाद चिन्हांकन करने के बाद अंतिम आंकड़ा बता पाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में हितग्राहियों को व्हील चेयर के लिए। तो फिर क्या क्या व्यवस्था हुई, यहाँ क्या सहयोग मिला? मैम अभी खाली रजिस्ट्रेशन हुआ है कि अब मैं एक महीने के बाद व्हील चेयर मिलेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उपकरण नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। यदि पढ़ी लिखी हो तुम? जी हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने BA कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, DC किया है, DLED किया है। मैं चाहती हूँ कि रोजगार मिले। उपकरण तो हम रोजगार के जरिए भी खरीद सकते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी सरकार से मांग है कि जी रोजगार की मांग है? जी हाँ, मेरी रोजगार की। भारत सरकार की ADP योजना अंतर्गत आज दिव्यांग शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है जनपद पंचायत सौसर में, जिसमें विभिन्न यहाँ पे योजना के अंतर्गत लाभ दिए जा रहे हैं। पहला तो हम जो भी अस्थि रोग विशेषज्ञ वगैरह आए हैं, तो वो एक चेकिंग कर रहे हैं कि किसको, कौन से दिव्यांग को कौन से उपकरणों की आवश्यकता है, उनका चिन्हांकन किया गया है। तो अभी कुल 13 जो LIMCO के अंतर्गत तो 13 जो हितग्राही है उनका अभी चिन्हांकन किया गया है, और उनको साइकिल, ट्राई साइकिल या अथवा जो भी उनके ईयर मशीन, हियरिंग मशीन, ये सब उनको प्रदाय की जाएगी। इसके अलावा जो मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट भी आए हैं कि तो जिनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो उसके लिए भी अलग से एक जगह चिन्हांकित की गई है, जिसमें साइकियाट्रिस्ट देख रहे हैं और उनका चिन्हांकित किया जा रहा है उनको। उसमें अभी करीब 60 लोगों का चिन्हांकन वहाँ पर किया गया है। इसके पश्चात अस्थि रोग विशेषज्ञ ने अभी जो डिसेबिलिटी देखी है अस्थि के संबंध में, तो उसमें उन्होंने करीब 100 लोगों का अभी जांच की है, और उसमें से कितने लोगों का उन्होंने अभी जिसमें वैध पाए गए हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए, वो जानकारी अभी उनसे ली जा रही है। इसके अलावा UID नामांकन काउंटर भी बनाया गया है, जिसमें UID में उनका UID सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ऑनलाइन कराने के लिए, जिसका आधार में कुछ और दिक्कतें हैं वो कराने के लिए भी उनके अलग से काउंटर बनाए गए हैं। कोई पहले से प्लान नहीं किया गया और बेचारे भटक रहे दिव्यांग लोग इधर उधर, कोई मुख बधिर है तो कोई हाथ पैर से है, कोई मानसिक है, तो भटक रहे इधर उधर। अभी हमने व्यवस्था बनाने के लिए कहा है अधिकारियों को, पर सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो केवल अस्थायी बना रहे हैं 6 महीने के लिए। या तो परमानेंट की व्यवस्था कराएं, और उसमें अगर नहीं हो पा रहा तो या तो फिर ना बनाए, ज़्यादा अच्छा है। 40% विकलांगता कम से कम रही तो उनको, लोगों को फ़ायदा मिलता है इसमें, पर अनियमितता तो है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ पर कई काफी पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, हमने देखा है कि उनको 600 के अलावा दूसरा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो लोग रिजर्व करते हैं स्कूटी उनको नहीं मिल रही है, तो उनकी भी शिकायतें हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? का नियम यह है सरकार का कि 80% विकलांगता होना चाहिए। हम लोग विधायक निधि 25% रहती है, बाकी राज्य केंद्र सरकार का योगदान रहता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही कि 80% दिव्यांगता है तभी वो स्कूटी मिलती है। पर हमने कहा है, लिखा है चिट्ठी कि भाई कम से कम 40-50% वालों को भी स्कूटी दी जाए, ताकि जो है वो सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है।